हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष यादव, राजश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। आज का विषय जो है, खास तौर पे उन मित्रों के लिए जो डॉक्टर्स हैं और वो पेशेंट्स भी जिनको कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द होता है और कई समय से इलाज करा रहे हैं, हकीकत में उन्हें ये नहीं पता होता है कि जोड़ में दर्द किस वजह से हो रहा है, बस दर्द की दवा खा रहे हैं या अन्य कुछ कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हमारा जो जिस जोड़ में दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसका कारण क्या है। ये वीडियो आज हम उस विषय पर बनाते हैं। हमारे यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्वाइप अप करा के इंस्टाग्राम पे भी हमारी चीज़ों को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने की वजह से हमारी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहती है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जोड़ों के दर्द में जो है, सबसे कॉमन जोड़ों का दर्द होता है जिसको मतलब आम भाषा में अर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं, यानी कि लंबी हड्डियों का दर्द। लंबे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे कि हमारी कोहनी से कंधे के बीच में, हमारे कलाई का जो दर्द, हमारे घुटनों का दर्द, हमारी घुटने के बाद एड़ी का जो जोड़ होता है उसका दर्द। खास तौर पे जब किसी की एज ज़्यादा हो रही हो, जैसे कि 50 की एज है, 55 की एज है, 65 की एज है, इस उम्र पे जाकर के जो जब दर्द होता है, या ये दोनों इस एज पे दो अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं, जिसमें से एक दर्द आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोनों एक ही जैसे हैं पर थोड़ा सा अंतर है। हड्डियों में किनारों पे जब वियर एंड टियर होने लगता है या जोड़ जब खराब होने लगते हैं तो वो कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद भाषा में बोलते हैं संधिवात। यानी कि जैसे कि 60 साल की व्यक्ति के घुटने खराब हो गए, जब घुटना खराब होता है तो क्या होता है, वो एक साइड को झुक जाता है, राइट को या लेफ्ट को झुक जाता है, और दो हड्डियों के जोड़ के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो कार्टिलेज खराब हो जाती है। इसको हम एक्सरे के माध्यम से सामान्य तौर पर देख सकते हैं। तो जब एक्सरे में देखेंगे तो घुटना का जोड़ जो है वो खराब हो रहा है, खराब हो चुका होता है। तो इससे एक तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी बीमारी में है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी कि आदमी को संधिवात में। तो ऐसे मरीजों को लंबे समय तक दवाई खा करके ही काम चलाना पड़ता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो या कोहनी का दर्द हो या एड़ी का दर्द हो, लंबे समय तक दवाई के सहारे ऐसे मरीजों को रहना ही रहना पड़ता है। वहीं पे जब बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस की, तो ऐसे मरीजों को जांच के लिए एक्सरे के साथ साथ हमको आरए फैक्टर की जांच करानी चाहिए। जब इसका रेशियो नॉर्मल से जब ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो जो हमारी कार्टिलेज होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होता है, और लॉन्ग बोन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये दर्द होता है। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस जितनी भी हमारी लंबी हड्डियां हैं और छोटी हड्डियां हैं, दोनों जगह पे देखने को मिल सकता है, खास तौर पे घुटना, एड़ी और कलाई और ये वाले जोड़ों में देखने को मिलता है। और एक शब्द आपने सुना होगा कि गाउट हो गया है, गठिया हो गई है ना, ये कॉमन शब्द है जिसको सुनने में मिलता है। तो ये होता है आम बात का दर्द। आम बात का दर्द क्या होता है, यानी कच्चा दर्द, या जो हम भोजन करते हैं, भोजन की वजह से जो हमारा इनडाइजेशन की वजह से खाना अच्छे से नहीं पकता है, और वह जा करके जब बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, और उसके खराब अपक्व रस की बनने होने की वजह से जो बॉडी में पेन आता है, तो उसको बोलते हैं गठिया का दर्द, जिसमें कि हमारी कार्टिलेजेस खराब होकर के इधर उधर फैल जाती हैं, इधर उधर ठहर जाती हैं, और कई बार यूरिक एसिड की मात्रा भी इसमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। शरीर में बेसिकली देखा जाए तो जो अम्ल की मात्रा है वह बढ़ जाती है। तीनों या पांच जितने भी दर्द होते हैं, हर किसी में वात का तो दोष हो ही रहा है ना। बात करते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो वात पित्त कफ, तीनों में वात तो दोष है ही है, बट यदि हम मॉडर्न की बात करें तो इसमें आपको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिलता है, साथ में इन्फ्लामेशन बढ़ा मिलता है, साथ में ESR बढ़ा मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ दवाइयों के माध्यम से बहुत जल्दी आराम दिया जा सकता है, जिससे कि इनका थोड़ा सा कफ का दूर किया जाए, चयापचय की क्रिया बढ़ा दी जाए, मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ता है हमारा,
तो भी ये चीज़ें बॉडी से कम होने लगती हैं। डायरेटिक चीज़ें चलाने के बाद ये बॉडी से कम होने लगती हैं और मरीज को आराम मिलने लगता है। इसी के बाद कई बार आपने देखा होगा किसी पेशेंट को जो है मतलब ठंडापन से महसूस होता है, मतलब कि जोड़ों में तो दर्द हो रहा है, जैसे कि बोलेगा पेशेंट की जो है हमारे ये साइड की हड्डियों में दर्द होता है, कोहनियाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं। आर्थराइटिस में यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो भी हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, और जब थायराइड का हाइपोथायरायडिज्म का जब पेन होता है तो भी हड्डियाँ टेढ़ी हो रही होती हैं। बट ऐसा पेशेंट आपको बताएगा ठंडे और गर्म का एहसास, उसको ये बताएगा कि हमारे अंदर ठंडी भर गई है, सर्दी भर गई है, डॉक्टर साहब मेरी सर्दी का इलाज कर दो मुझे भयंकर। जून जुलाई के महीने में भी वो आपसे ठंड की शिकायत लेके आता है और कहता है कि मुझे मेरे शरीर में ठंडी इतनी ज़्यादा भर गई है, उस ठंडी की वजह से ही दर्द हो रहा है। तो ऐसे मरीजों को हम कहेंगे उनको जो थायराइड होता है उसकी जांच करानी चाहिए। थायराइड में आपको हाइपोथायरायडिज्म जब मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति को हाइपोथायरायडिज्म का इलाज करने पर आपको ऐसे मरीजों में आराम देखने को मिलेगा। इसके लिए वही जाँच है T3, T4, TSH की जाँच करानी चाहिए। इसके बाद एक दर्द आता है कि किसी सिंगल जोड़ में दर्द, जैसे कि घुटने, ऐसे हमारे पास कई मरीज हैं कि उनको अचानक से थोड़ा सा चलते समय तखत लग गया और वो दर्द जो स्टार्ट हुआ और लंबे समय तक 6 महीने दवाई खाने के बाद भी बना हुआ है और जा ही नहीं रहा है और काम करते हैं तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे घुटना सूज जाता है, रेडिशनेस आ जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केवल घुटने पर ही हो, कोहनी पर भी हो सकता है, रिस्ट पे भी हो सकता है, शोल्डर पे भी हो सकता है, बट कॉमन चीज़ ये मिलती है कि वहाँ पे त्वचा का लालपन हो जाना, वहाँ पर त्वचा में जो है पस आ जाना या सूजन बहुत आना। इसमें जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पे फ्लूइड के भरे होने की संभावना देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में टीबी होने का चांसेस होता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जब होगा मरीज को, टीबी का संक्रमण बॉडी में होगा, तो ऐसे मरीजों को ये किसी एक जोड़ में देखने को मिलेगा। इसके लिए सामान्य जांच है, मोनटुक्स करा सकते हैं। यदि मोनटुक्स में पॉजिटिव आ रहा है तो केवल मोनटुक्स के भरोसे न रहें, टीबी गोल्ड या किसी अन्य जांच के सहारे जब वो कन्फर्म हो जाए तो जैसे ही आपकी टीबी की इलाज शुरू होगा और जैसे जैसे उसमें आराम मिलेगा आपका वो जोड़ अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा, और जोड़ केवल उतना ही ठीक होगा जितना वो घुला नहीं होगा या खराब नहीं हुआ होगा। जितना जोड़ खराब हो चुका है वह जोड़ कभी भी ठीक नहीं होता है। हम चाहे उसमें रिप्लेसमेंट की भी बात करें तो रिप्लेसमेंट भी कई बार सक्सेस कम ही होता है। और बात करें और कौन से जोड़ के दर्द होते हैं, सामान्य तौर पे तो ये जोड़ के दर्द होते हैं, लेकिन एक आता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें भी बॉडी के कई जोड़ों में दर्द होता है और कई जोड़ बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो जाती है, कलाइयों में दर्द होता है, कोहनियों में दर्द होता है, शोल्डर्स में पेन होता है। तो इसके लिए HLA-B27 में सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है उसकी पीठ में दर्द होगा, पीठ में हल्का सा हम्प यानी कि उघरा हुआ हिस्सा देखने को मिलेगा। और जब मरीज सुबह सो करके उठेगा तो उसको पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा भारीपन देखने को मिलेगा। इसके लिए खास तौर पे एक जांच होती है HLA-B27, इसकी जांच करा करके आप पता कर सकते हैं। अंग्रेजी चिकित्सक इसको सामान्यतः ऑटोइम्यूनिटी डिसीज मानते हैं, बट और ऑटोइम्यूनिटी डिसीज के साथ साथ इसको बोलते हैं ये जीन की प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पास भी कई मरीज आए, हमने उसमें पाया है जिन्होंने पहले भी 1 से 2 बार रिपोर्ट कराए थे कि वो पॉजिटिव थे, और ये तो नहीं कहें कि किस माध्यम से इलाज कराएं, लेकिन हाँ मेरे आयुर्वेद के माध्यम से मैंने जब उनको इलाज किया तो 3 से 6 माह के बाद में ही उनको काफ़ी हद तक आराम था, और उसके बाद मैंने 2 से 3 बार रिपोर्ट रीचेक कराई है तो उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई हैं। बट यहीं पर एलोपैथ कहता है यह एक जीन की प्रॉब्लम है जो कि अगर एक बार पॉजिटिव आ गई तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं ये भी कह सकता हूँ या तो मेरे पास जब वो रिपोर्ट लेके आया था पुरानी, या तो वो रिपोर्ट तब गलत थी, या फिर जो अब मैं करा रहा हूँ वो सही है पहले की पता करा, पर मेरे पास आकर के पेशेंट की रिपोर्ट निगेटिव हुई है। अब आता है एक इन सब में इस सब के इलाज की बात। तो सबका इलाज अपनी अपनी जगह पे है, कोई एलोपैथ में कराता है, कोई आयुर्वेद में कराता है, कोई यूनानी में कराता है, बट जो सबसे पुरानी विधा है वो तो आयुर्वेद ही है। और
सबसे ज़्यादा आराम भी इसी विधा से मिलता है, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए आयुर्वेद साइड इफेक्ट नहीं करता ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, आयुर्वेद के इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि कोई गर्भवती महिला है ना, और यदि हमने उसको सौंठ खिला दी तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा। क्यों? गलत जगह पे गलत दवा का प्रयोग, यदि गलत जगह पे गलत जगह दवा का प्रयोग करेंगे या गलत तरीके से खाएंगे तो दवा आपको नुकसान करेगी। सही तरीके से दवा को लिया जा रहा है, डॉक्टर की देखरेख में लिया जा रहा है तो आपको दवाइयाँ आयुर्वेद की नुकसान नहीं करती हैं। और साथ में पेन किलर्स जो कि रीढ़ की जो कि हड्डियों के दर्द में सबसे ज़्यादा व्यक्ति पेन किलर्स का सेवन करता है, और सबको पता है, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी पता है कि इसका किसी भी बीमारी का हल पेन किलर नहीं है, वो या तो पेन किलर पे रखते हैं या स्टेरॉइड थेरेपी पे रखते हैं। स्टेरॉइड थेरेपी के अपने साइड इफेक्ट है, पेन किलर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, बट वो कोई इलाज नहीं है। पेन किलर ठीक उस चश्मे का जैसा है कि जब हमने चश्मा उतार के नीचे रखा तो आँखें हमारे पहले की जैसी हो जाती हैं, और जैसे ही हमने उस पेन किलर के नाम का चश्मा पहना और आँखों से हमें दिखने लगता है। तो इस चश्मे से आप कब तक अपनी ज़िंदगी चलाएंगे ये सोचना आपका काम है। हम तो यही कहेंगे कि आयुर्वेद सबसे अच्छा है और आप आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीटमेंट कराएं। इससे संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए हो या किसी विशेष दर्द के विषय में जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट ले करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए बहुत मिनिमल फीस है, उस फीस को जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट पर बात कर सकते हैं, या कानपुर में अशोक नगर में हम बैठते हैं, हमें आप आकर के यहाँ पर दिखा सकते हैं।